नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें। बुधनी के बगवाड़ा में नर्मदा किनारे करीब 50 एकड़ जमीन पर आकार लेगा आरएसएस का स्कूल। संघ मध्य प्रदेश में खोलेगा आधुनिक प्राइवेट सैनिक स्कूल। G20 से जुड़ी बैठक कल से, 42 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। T20 बैठक के साथ भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो इंदौर कमर्शियल कैपिटल होगा। 50,000 रुपए के मुचलके पर सागर जेल से छूटे एक्टिविस्ट आनंद राय। नर्मदापुरम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को पुत्र पुत्री ने दी मुखाग्नि। दतिया में मकर संक्रांति की डुबकी लगा रहे थे श्रद्धालु, बहकर आ गई लाश तो मची भगदड़। धार में चाइनीज मांझे से कटी 3 साल की बच्ची की गर्दन, 60 टाके आए। मुरैना में 5 करोड़ हिंदू परिवारों का कुशलक्षेम पूछेगी हिंदू परिषद। विदिशा में नल जल योजना, पानी भरते ही गिर गई 5,000 लीटर की 2 टंकियां। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा की थी, मध्य प्रदेश में किसानों ने जमा करना बंद किया। कर्ज माफी के इंतजार में किसानों ने बकाया कर्ज जमा करना किया बंद। प्रदेश के 34 लाख किसान डिफॉल्टर। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।